गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, हम लोगों ने जो रदरफोर्ड और बोर का मॉडल है उसको पढ़ लिया है, और उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है उसके बारे में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में एक बार फिर से मैं बोर मॉडल, जो नील बोर मॉडल है, उसको एक बार और आपको रिकैप्चुलेट करूँगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी पर बेस्ड है पूरा पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझेंगे तब तक आगे के लिए केमिस्ट्री आपके लिए एक मिस्ट्री बनी रहेगी। तो मिस्ट्री ना बनी रहे, चलिए हम पहले रिकैप्चुलेट करते हैं और वीडियो में आगे आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो नील बोर का जो मॉडल था उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसको रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा, पार्टिकल है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज़ अ चार्ज पार्टिकल, तो उसकी एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और एक स्टेबल मॉडल एटम का देने के लिए नील बोर ने अपना मॉडल प्रपोज किया। तो अकॉर्डिंग टू नील बोर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा आपके उसमें चारों ओर, इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेगा, वो रिवॉल्व करेगा, और जब तक वो रिवॉल्व करेगा उसमें तब तक वो ना तो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, और ना ही एनर्जी वो गेन करेगा। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स हैव ओवरकम द प्रॉब्लम दैट वॉज फेस्ड बाई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ये प्रॉब्लम थी ना कि इलेक्ट्रॉन जो है जब वो रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट एंड दीज ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। मैंने कल बताया था, पिछली वीडियो मैंने बताया था, और जब तक उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उनकी एनर्जी स्टेबल रहेगी। और ये जो ऑर्बिट्स हैं बेटा ना, दिस इज सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस जिसको मैंने एन से डिनोट किया है, और ये फर्स्ट सेल हो गया, दिस इज योर सेकेंड सेल, दिस इज योर थर्ड सेल, एंड दिस इज योर फोर्थ सेल, इसी तरह 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। क्योंकि ये सेल्स क्या हैं, दिस आर द ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स क्या हैं, इनको सेल बोला जाता है, SHELL नॉट CELL, है ना। अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ये सेल है, SHELL, CELL सेल नहीं, और इनको सेल बोला जाता है, इनको बेटा ऑर्बिट भी बोला जाता है, इनको स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी एनर्जी लेवल बोला जाता है। तो दो तीन नाम है, बट जनरली हम लोग सेल या ऑर्बिट के नाम से इनको बुलाते हैं। तो इनको अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने जो कैपिटल लेटर यूज़ किया है KL, M और N। तो के सेल को आप फर्स्ट सेल भी कहते हैं, एल को सेकेंड, एम को थर्ड और एन को फोर्थ, फिर ओ रहेगा तो फिफ्थ हो जाएगा, पी रहेगा तो सिक्स्थ हो जाएगा। तो हर ऑर्बिट को इन्होंने नाम दे दिया। तो जो रदरफोर्ड की प्रॉब्लम थी दैट हैज बीन ओवरकम। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है बोर के सामने, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बोर और बरी दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं बेटा, इन्होंने मिल करके एक स्कीम बनाई, और वो स्कीम किस लिए थी कि जो सेल्स हैं उस सेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, कितने रहेंगे, और फिर उनकी जो है उनका नंबर कैसे हम पता करेंगे, और आगे जो एलिमेंट्स मिलेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स अगर होते, इलेक्ट्रॉन होंगे, सीधी सी बात, अगर एटम हो तो इलेक्ट्रॉन है, तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ये जो बोर का मॉडल है वो इस तरह से हो गया कुछ। अगर आप बोर मॉडल को एक बार इंक्लूड करो तो ये बोर का मॉडल क्या है, दिस इज योर न्यूक्लियस, एंड इसमें न्यूक्लियस में कौन कौन रहेगा, अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता था, बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हैज बीन प्लेस्ड इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके चारों ओर आपके अलग अलग सेल्स में, इस तरह से आप सिंबल बना दीजिएगा इलेक्ट्रॉन का, आप दो या तीन सेल बना सकते हैं, और इन दोनों या तीनों सेल में आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर। तो दिस इज ऑल अबाउट बोर मॉडल। बट मैंने अभी कहा कि अब बोर के सामने ये चुनौती थी, इट वॉज अ प्रॉब्लम दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स वेयर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन एंड हाउ इलेक्ट्रॉन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोर बरी स्कीम है ना,
बोर और बरी दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक स्कीम बनाई, एक रूल बनाया और उस रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन को रखा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक हैज बीन टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एंड कन्फिग्रेट मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो डेफिनेशन है आप अपने आप ही बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स, अलग अलग सेल जो अभी हमने बताया के एल एम एन या फर्स्ट सेल सेकेंड सेल जो आप बोल रहे हो उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे होगा बेटा, पहला रूल ये कहता है कि किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्मूले से रखे जाएंगे, 2n2। क्या फॉर्मूला है? 2n2। और n क्या है बेटा? इट इज अ नंबर ऑफ सेल। ठीक है, नंबर का मतलब कि अगर पहला सेल है तो n की जगह आप 1 रखोगे तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2। तो जो पहला सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, 2। दूसरे सेल में 2 × 2² बिकॉज n की जगह आपको 2 रखना पड़ेगा, वी हैव 2 × 4 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3² दैट इज 9 एंड 2 × 9 = 18। तो ये जो डिफरेंट आपका जो है क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरा जो उनका रूल था ये था कि कोई भी सेल, ठीक है, कोई भी सेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रख सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया कि हर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2n² फॉर्मूला है। पहले सेल में कितने रहेंगे, 2 × 1² 2 × 2² सेकेंड सेल में, 2 × 3² थर्ड सेल में दैट इज 18 एंड 2 × 4² वी हैव 32। फिफ्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वी हैव 50 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो पहले सेल में यहाँ पे आप जब भी बनाएंगे तो आप यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बनाइए, ठीक है, और दूसरे सेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड तीसरे सेल में 1, 2, 3, 4 एंड 18। इस तरह से आप 18 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। अब किसी भी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता, 8 से ज़्यादा रहने के लिए जैसे के सेल में तो 2 ही रहेंगे बेटा, एल में 8 रहेंगे, अब एम में 18 इलेक्ट्रॉन बाय रूल, लेकिन 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एम में तभी होंगे जब इसके बाद वाले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल करेंगे। तीसरा जो इनका वो रूल था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो सेल्स हैं वो जब भी फिल होंगे दे विल बी फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। स्टेप वाइज मैनर का मतलब ये होगा बेटा कि पहले के सेल फिल किया जाएगा, देन एल सेल फिल किया जाएगा, देन एम सेल फिल किया जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी दैट विल बी स्टेप वाइज, फर्स्ट के देन एल देन एम एंड देन ओके। तो जो अभी आपने पूरा पढ़ा उस बेसिस पर हमारे पास एक क्वेश्चनायर है, इस क्वेश्चनायर को आप पढ़ लीजिएगा। ये पूरा अब तक का बोर थॉमसन से लेके बोर मॉडल तक के जो चीज़ें थी वो इस क्वेश्चनायर में है, अटेम्प्ट करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा आप जो है तो पूछ सकते हैं कभी। तो इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।